खटाई बनाई गई थी मेरे भाई द्वारा, ये रही। तो अभी दोस्तों खाना खाने के बाद छत में आई थी, पर इंसान भट द्वारा भट। आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा प्रणाम। स्वागत करती हूँ मैं आरती रात आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड में और अपनी मध्यशर घाटी में और अपनी मध्यशर घाटी के सुंदर से गांव भट्टेश्वर वाड़ में और अपनी देवभूमि उत्तराखंड में। तो आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मैं एकदम परफेक्ट हूँ। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत कर लेते हैं, कौन दिन की शुरुआत कर लेते हैं। क्या भूख लगा है? तो अभी दोस्तों मम्मी जा रही है आज। कहाँ जा रही है मम्मा? पत्तों के लिए। तो गाय के मतलब गाय के लिए जो जैसे हम रजाई वगैरह रखते हैं, तो गाय के लिए भी जो हरी मतलब सूखी पत्तियां होती हैं उन्हें लेने के लिए हमें बोला हम पे वाली और जाना। तो आज उबदी बोलते हैं, उबदी ये बोलते हैं कि जंगलों में 6 माह के लिए जाना बिल्कुल भी अलाउड नहीं रहता है। और 6 महीने बाद वहाँ से घास काटा जाता है, वहाँ की लकड़ियाँ लाई जाती हैं और बहुत सी चीज़ें होती हैं। तो बस वही है और मतलब उसे बोलते हैं हमारे यहाँ उबदी। अब ये मतलब आज से शुरू हो चुकी है और लगातार अब चलती रहेगी, 5-6 दिन तक चलती रहेगी। तो आज पहली उबदी जो है वो है पेड़ों की और यहाँ पे सब लोग जा रहे हैं। अरे मम्मी ये देख लो सब पेड़ उधर जा रहे हैं। ए गिमा उनीची सारे जा रहे हैं। तो सभी पूरे गांव के लोग जाएंगे आज और मम्मी भी अब तो सारे लोग जा रहे हैं और मेरी माता जी भी जा रही है। और जो बोलते हैं रिंगाल की बनी होती है, सोल्टी बोलते हैं हमारी भाषा में, ये तो दरांती तो हर कोई जानता होगा। तो ये सोल्टी है और दरांती, और इन्हें मतलब मम्मी ना उस वाले कमरे में रखती है जहाँ थोड़ा मतलब आग जलाते हैं अगेठिन, तो वहाँ से ऐसे ब्लैक ब्लैक इसीलिए होती है। तो अभी मम्मी के सारे दोस्त चले गए। मम्मी जल्दी जाओ। अभी यहाँ पर दीक्षा और सीमा भी आ रखे हैं और इस शैतान के साथ ये सुबह उठते ही गायब हो जाता है। अभी आ रहा है तो इसे अब हमने रस्सी पे बांधना शुरू कर लिया, इसकी चैन है ही नहीं हमारे पास, चैन लाएंगे इसके लिए रोड में गाड़ी के नीचे इससे आ गया। और दीक्षा लोग लाए ना घर सड़क में गाड़ी के नीचे आके, तब मैं भी क्या करूँ, बांधनी बांधी तो रोक दिए तक फिर भी भाग दिन ब्याह में तो मैं छत में रखी तो छलांग नहीं मारी पोलू तैयार हो तैयार हो पे नहीं। सारे लोग जा रहे हैं उबदी में, उबदी में कुछ 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 सो हाथ जोड़ो दीदी प्लीज मैं तो खोल दीदी कुछ 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 ओ मछुना हाँ। तो ये देख रहे सारे लोग जा रहे हैं उबदी में जा रहे हैं। मम्मी कुछ बोलना है? मम्मी आपको बोलना क्या है, अब बोलती रहती हूँ, आज देर हो रही है, सब चले गए ये साथी। हाँ मैं भी जाती हूँ। हाँ लोग सब पत्ते इकट्ठा कर देंगे, मेरे लिए कौन देगा था। तो जाओ मम्मा बाय बाय, घर का काम मुझे ही करना है। वो ढंग से कर दी और ठीक जी तो ये मम्मी की बहुत मार भी खाता है और अभी मम्मी से प्यार दे रही हूँ तो वो खुश हो रहा है। तो अभी माता जी आ चुकी है। मम्मी और के बोल दन नानी कहे फोन के बोल दन पे होता पत्थर ले लियो पत्थर ले लियो ना मालूम है तेरे अच्छा बच्चा अच्छा हो ना। अरे खटाई बनाई गई है मेरे भाई द्वारा, ये रही। तो इसे तीमल के पत्तों में रखा जाता है, इसी को बोलते हैं खटाई। किसी को खाना है तो आ जाओ, ये मेरी मम्मी खा रही हैं। कैसी हो रही मम? अच्छी हो रही है। नमक कम हो रहा है इसमें, नमक मिर्च तो कोई बात नहीं, अच्छी हो रही है। अभी यहाँ पर मम्मी जी जो हमारी सब्जी की बेल थी उसको निकाल रही है क्योंकि वो सूख चुकी है ना, और बेल निकाल रही है। ये देख लो भाई ऊपर पेड़ पर है, आम के पेड़ पर।
मौसम देख लो, पूरा बादल बादल आ गया है। मतलब कुछ दिनों बाद बारिश भी हो ही जाएगी, लग ही रहा है। और तुंगना चुपता में बर्फ पड़ जाएगी, फर्स्ट फॉल हो जाएगा। तो नरे आज फिर से लोग दगलते पर बाहर जा रहे हैं, क्योंकि आज ऐसे दिन भर कितनी बार भी आप जा सकते हो जंगल में। दोस्तों मतलब दिन का टाइम हो चुका है और अब खाना खाना बनाते हैं, और हमारी नानी जी भी आज आ रही है, तो मतलब अभी आ चुकी है नीचे पर, बस ऊपर आने ही वाली है। और ये आज बंधा हुआ ही है, बंधे ही रखना है इसको, नहीं तो बहुत जगह घूमने पे लगा हुआ है, फिर ये हमें गाली खिलाने पे लगा हुआ है। मतलब तो अब मेरी नानी जी आ गई है, अपनी नानी जी से मिलवाती हूँ आपको, ठीक है। जी भी आ गई है, इसको भी खोल देती हूँ, बच्चा सुबह से बंधा हुआ है। जा जहाँ जाना है तुझे, नानी जी आ गई है। तो अभी दोस्तों खाना खाने के बाद छत में आई थी, पर इस इंसान को खोला तो ये सारी जगह घूम के फिर से आ गया, और अब यहाँ पर मैं इसे खींच के लाई हूँ। और ये देखो यार, ये बहुत बिगड़ा हो रहा है, इसके साथ टाइम बिताना बहुत जरूर हो गया, घर में टिक ही नहीं रहा है। अब यहाँ देखो ये ऐसे काम कर रहा है, क्या करें, छोड़ गु। देख मैं मारूंगी ना, अगर तब मुझे भी बुरा लगेगा तुझे भी बुरा लगेगा, उससे चाहे छोड़ ले, छोड़। तो दोस्तों कुछ ये हाल है इसके, कुछ कहा नहीं जा सकता इस इंसान को, कुछ नहीं आ रहा। तो क्या कहें, मैं इसे इतना सुधारना चाहती हूँ, ये सुधरे तो ना, सुधरेगा ना तू। तो दोस्तों आज का दिन, अभी संडे है तो आज जम के मतलब आराम से संडे बिताया जा रहा है। और नानी जी अभी रूम में है अंदर पे, क्योंकि धूप आ रही जा रही है ना, इसलिए तो अभी कुछ ज़्यादा कैप्चर कर नहीं पाई हूँ आज के दिन पे, आगे देखती हूँ हो पाएगा तो करूँगी कैप्चर। अभी फिलहाल इनको देखिए, इनको देखिए, इनको इनको देखिए, इनको प्लीज यार। अच्छा इनकी भैया भैया, मैं भी तो कॉन्ग्रेचुलेशन, भट जीत गया, भट गौरव भट। देखिए भैया निकाय करी इज्जत बोलते हैं। दोस्तों हम यहाँ पर गौरव भट्ट के नारे लग गए थे, गौरव भट्ट जी की जो अध्यक्ष जीते हैं, तो क्योंकि वो इसी साइड के ना, यहीं करोगी रोड गांव है उनका, तो उस साइड के है। दीपाली अब यहाँ प्यार किए, पर ए दीपाली नहीं होनी हम, पुष्पा राज में खड़ी होगी। फिर से बोलो मैम। हाँ क्या, थोड़ी जोर से। आजकल मैं जुकाम बुखार से पीड़ित हूँ ना, इसीलिए कुछ बोल नहीं पा रही हूँ, ठीक है। मेरी ना साफ रोनी कहीं दुआओं में याद रखना। तो बाय बाय दीपाली, बाय बाय दुगू दुगू जाखा जरा। तो दोस्तों ये देखिए यहाँ पर इनका घोगा क्रिसमस के गुजा हम खड़ा हुआ फोटो खींच दूं मैं जो का ये हम खड़ा हुआ या फिर हो सकता है यार, मैं तो यहां पे इन छोटे बच्चों का ये क्रिसमस का ट्री, क्रिसमस ट्री बना रखा है। ठीक है जी, मां सेंटा, मेरा सेंटा। और क्या क्या है ये चॉकलेट की तजिन रो, बच्चों का हम चॉकलेट चॉकलेट में डाल देंगे। तो बाय बाय, आप मनाओ क्रिसमस यहाँ पे भी। तो तुलसी के लिए मैंने भी फोटो खींच लिया है, क्योंकि तो दोस्तों तुलसी के साथ ही मैंने फोटो ले ली थी, ऐसे मैं सोचना कि क्रिसमस मना रही हूँ, वो मना रहे थे तो बस फोटो वगैरह ले ली, वीडियोस बनाई और एक चॉकलेट भी मिली। तो तुलसी जी माता जी के साथ फोटो ले ली थी, अब चलते हैं घर, क्योंकि मैं दूध देने गई थी ना वहाँ पर। अब चलते हैं घर की तरफ, देखते हैं लोगों क्या कर रहे हैं, और ब्लॉग को भी यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको ब्लॉग पसंद आए, छोटा सा ब्लॉग था, ज़्यादा कुछ था नहीं। तो मिलूंगी जल्दी करने वीडियो के साथ, तो के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मुस्कुराते रहिए। बाय बाय।